बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं जीन वाटसन थ्योरी का जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, मेजर एजम्पशन हमने इसमें कवर की थी। इसी थ्योरी का जो है ना हम पार्ट टू पढ़ेंगे, और इसमें जो है ना हम जो मेजर कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप है और जो 10 कैरेटिव फैक्टर्स है उसको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले व्हाट आर द 10 कैरेटिव फैक्टर्स ऑफ द जीन वाटसन थ्योरी। जीन वाटसन थ्योरी की 3 मेजर कोर कंसिडरेंसेज हैं। इसमें जो है ना एक क्रिएटिव फैक्टर है, दूसरा जो है ना वो कोर मोमेंट है और या कोर कोर मोमेंट, और तीसरा जो है ना वो है ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप है। ओके, तो वो 3 जो मेजर कंसिडरेशन है उसको हम पढ़ेंगे। पहला जो क्रिएटिव फैक्टर है, 10 क्रिएटिव फैक्टर और वो कौन कौन से, उसमें जो पहला फैक्टर है वो क्या है, वो ह्यूमनिस्टिक अल्ट्रुइस्टिक सिस्टम। ह्यूमनिस्टिक का मतलब ये है कि इसमें जो है ना आप ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन वर्थ को जो है ना उसको आप कंसिडर करते हो। जब भी आप केयरिंग प्रैक्टिस करते हो तो केयरिंग प्रैक्टिस के दौरान आपने जो है ना ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन वैल्यूज को जो है ना इन फोकस में रखना है। ओके, दूसरा जो है ना आप अल्ट्रुइस्टिक भी रहोगे। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब ये कि आप जो है ना सेल्फलेस रहोगे, आपका जो है ना अलॉन्ग विद सेल्फलेस डिजायर टू हेल्प अदर, आप दूसरों की मदद करोगे, लेकिन वो क्या होगा, वो सेल्फलेस डिजायर के साथ होगा। आप जो है ना खिदमत के थ्रू, खिदमत के थ्रू जो है ना आप क्या करोगे, आप अल्ट्रुइज्म के साथ जो है ना आप उनकी मदद करोगे। तो जब भी आप केयरिंग प्रैक्टिस करते हो तो केयरिंग प्रैक्टिस के दौरान आपने जो है ना ह्यूमनिस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक का जो बिलीफ है वो हो। दूसरा जो है ना फेथ एंड होप। केयरिंग में जो है ना जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है, फेथ एंड होप है कि आप जो है ना पॉजिटिव आउटकम पे बिलीफ रखेंगे, और साथ में जो है ना आपका होप भी होगा कि आप जो है ना हेल्थीनेस की तरफ आप जाओगे। ओके, सेंसिटिविटी टू सेल्फ एंड अदर्स। दूसरा जो है ना आप अपने लिए भी सेंसिटिव रहोगे और दूसरों के लिए भी जो है ना आप सेंसिटिव रहोगे। इसका मतलब सेंटर ये कि आप जो है ना केयर गिवर और क्लाइंट्स की फीलिंग्स और उसकी एक्सपीरियंसेस को जो है ना क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ओके, अच्छा, चौथा जो है ना डिवेलप हेल्पिंग ट्रस्टिंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। जब भी आप हेल्पिंग ट्रस्टिंग और केयरिंग रिलेशनशिप को प्रमोट करते हो केयरिंग में, तो ये क्या है, ये मेन चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चेंज की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं आपकी केयरिंग प्रैक्टिस को। ओके, अच्छा, पांचवा, एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशन। इसका सिंपल मतलब है कि जब भी आप जो है ना आप पेशेंट को ये मौका दोगे कि वो पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स को जो है ना वो क्या करे, वो एक्सप्रेस करे, ओपन कम्युनिकेशन आप पेशेंट के साथ करोगे, तभी जो है ना आप पहुंचोगे पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ। ओके, अच्छा, छठा नंबर पे क्रिएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केयरिंग प्रैक्टिस। जब भी आप केयरिंग प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका केयरिंग प्रैक्टिसेस एक तो क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, वो ट्रेडिशनल वेज पे जो है ना वो फोकस नहीं करेगा। आप जो है ना सब्जेक्टिवली आप पेशेंट को देखोगे और इसी के हिसाब से जो है ना आप ट्रीटमेंट, आप जो है ना उनको केयर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो है ना इंडिविजुअलाइज होगा, स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हर एक पेशेंट की नीड जो है ना वो दूसरी पेशेंट से क्या है, वो यूनिक है, तो आपने जो है ना इंडिविजुअलाइज अप्रोच करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, इसका सैम्पल मतलब केयर टू द यूनिक नीड्स। आप हर एक पेशेंट की जो नीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं, दूसरी पेशेंट से अलग होते हैं, तो आपने जो है ना क्या करना होगा, आपने जो है ना क्रिएटिव, इंडिविजुअलाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना प्रैक्टिस करना होगा। ट्रांसपर्सनल टीचिंग लर्निंग। ट्रांसपर्सनल टीचिंग लर्निंग का मतलब ये कि पेशेंट और नर्स दोनों एक दूसरे से जो है ना वो लर्न करेंगे, दूसरी एक दोनों एक दूसरे को टीच करेंगे। सिंपल मतलब ये कि जो केयर गिवर है वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मैंने जो कुछ सीखा है वही फाइनल है, नहीं, वो पेशेंट की एक्सपीरियंसेस एक्सपर्टीज को जो है ना पेशेंट की एक्सपीरियंसेस को और उसकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं उनको भी देख के उनसे भी लर्न करेगा। ओके, अच्छा, फिर सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एंड करेक्टिव मेंटल फिजिकल सोसाइटल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। फिर जो है ना आप जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हो ना, तो एनवायरनमेंट जो पेशेंट के साथ आपका जो एनवायरनमेंट होता है तो वो सपोर्टिव होगा, प्रोटेक्टिव होगा, साथ में जो है ना वो करेक्टिव भी होगा। उसमें जो है ना मेंटल फिजिकल सोसाइटल स्पिरिचुअल डायमेंशन सब जो है ना आप शामिल करेंगे। तो इसका सिंपल ये मतलब ही कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच करेंगे पेशेंट को, जिसमें जो है ना सारी डायमेंशन जो है ना वो आप इन कंसिडर में रखेंगे। ओके, तो सैम्पल द दैट पुश वेलबींग एंड प्रमोट पॉजिटिव चेंज। तो जब आप होलिस्टिक अप्रोच करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट में वेलबींग और
पॉजिटिव चेंज की तरफ जो है ना वो प्रमोशन होगा। ह्यूमन नीड असिस्टेंस, जो पहले पार्ट में हमने टू टाइप्स ऑफ नीड पढ़े थे, लोअर नीड और हायर लेवल ऑफ नीड, तो वो दोनों नीड जो है ना वो इसमें आप पेशेंट को असिस्ट करेंगे, चाहे वो लोअर लेवल ऑफ नीड हो चाहे वो हायर लेवल ऑफ नीड हो। एग्जिस्टेंशियल टेलमिनोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस, आप जो प्रैक्टिस आप प्रोवाइड करते हो तो उसमें आप क्या करोगे, कंसिडर द क्लाइंट सर्च फॉर मीनिंग पर्पज एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन कैन बी इम्पॉर्टेंट। आप जो है ना पेशेंट की जो फिनोमेनोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फोर्सेज होते हैं उसको आप क्या करोगे, उसको आप मद्देनजर रखेंगे। फिनोमेनोलॉजिकल का मतलब ये कि पेशेंट के जो सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होते हैं, और स्पिरिचुअल फोर्सेज आप उन दोनों के दरमियान जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, स्पिरिचुअल सिंबल मतलब ये कि पेशेंट जो है ना पेशेंट अपना किस तरह जो है ना उसके बिलीफ वगैरह है तो वो किस तरह जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, या पेशेंट की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिनोमेनोलॉजिक मीनिंग पर्पज ऑफ लाइफ वो समझते हैं, तो इन चीज़ों में जो है ना आपने पेशेंट को क्या करना है, असिस्ट करना होता है। केयरिंग के वक्त जो है ना आपने स्पिरिचुअल आस्पेक्ट को भी जो है ना वो मद्देनजर रखना है। ओके अच्छा, अब ये जो मेजर अजम्पशन तो हमने पढ़ी थी, कंसेप्ट ऑफ कोर कंसेप्ट जो है ना वो क्या है। ओके अच्छा, वाटसन डिफाइन थ्री ऑफ द फोर मेटा पैराडाइम कंसेप्ट, ह्यूमन बींग, हेल्थ एंड नर्सिंग। बेसिकली जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था तो वो थ्री पैराडाइम इन्होंने जो है ना वो एक्सप्लिसिटली और डायरेक्टली जो है ना एक्सप्लेन की थी, वो ह्यूमन बींग का, हेल्थ और नर्सिंग का। शी काइंड सेवरल अदर कंसेप्ट एंड टर्म्स दैट आर इंटेग्रल टू द अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ ह्यूमन केयरिंग। Her 10 curative factors are caring needs specific to human experiences that should be addressed by nurses with their clients and the caring rules. जब भी caring rule nurse provide करेगा तो इन 10 curative factors को जो है ना वो जरूर क्या करेगा, address करेगा। She continues to value those curative factors. The curative factors are listed. तो ये curative factors हमने in detail से पढ़ी। अब कौन से major concept जो है ना इसकी कौन कौन सी थी, तो वो ये major concept थी अब द साइंस ऑफ ह्यूमन केयरिंग या जीन वाटसन थ्योरी की। सबसे पहले इन्होंने कंसिडर किया था ह्यूमन बींग के बारे में, इन्होंने कहा था कि ह्यूमन बींग क्या है, अ वैल्यूड पर्सन टू बी केयर्ड फॉर, रिस्पेक्टेड, नर्चर, अंडरस्टूड एंड असिस्टेड। और ये हमने जो है ना शुरू से इस थ्योरी में पढ़ते कि ह्यूमन बींग, इन्होंने कहा कि एक यूनिटरी ह्यूमन बींग है। ओके और ये क्या है, ये इस ह्यूमन बींग को जो मेन कंसेप्ट था इन्होंने कन्वर्ट किया, ह्यूमन बींग भी बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग जो है ना ये क्या है, इनकी अपना डिग्निटी और वर्थ होता है, आपने इनकी वैल्यूज के रिस्पेक्ट करना है। ओके हेल्थ के इन्होंने कहा कि यूनिटी एंड हार्मनी विद द माइंड। हेल्थ बेसिकली क्या होता है कि माइंड, सोल और बॉडी इनके दरमियान जो है ना हम आहंगी हो, जब माइंड, सोल और बॉडी जो है ना इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो है ना इंटरकनेक्टेडनेस हो, यूनिटी हो, हार्मनी हो, तो फिर हम कहेंगे कि द पर्सन एज हेल्दी। Health is stated with the degree of congruence between the self is perceived and the self is expressed. Health ये है कि जब इंसान जैसा perceive करेगा वैसा express भी करेगा, वैसा जैसा perceive करेगा and the self is experienced, अपने आप को जैसा perceive करता है और जैसा जो है ना वो experience करता है अपने आप को बाहर environment में, तो यही health होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को जो है ना एक तरह से परसीव्ड एक तरह से जो है ना अपने आप को करते हो, परसेप्शन फीलिंग्स अपने बारे में एक तरह से होते हैं और अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सप्रेशंस आपके होते हैं वो किसी दूसरी तरह के होते हैं, तो फिर आप जो है ना हेल्दी नहीं हो। अच्छा, नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग अ ह्यूमन साइंस ऑफ पर्सन एंड ह्यूमन हेल्थ एंडनेस एक्सपीरियंसेस दैट आर मीडिएटेड बाय प्रोफेशनल, पर्सनल, साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड एथिकल ह्यूमन केयर ट्रांजेक्शन। नर्सिंग इन का ह्यूमन साइंस ऑफ पर्सन एंड हेल्थ एंडलेस एक्सपीरियंस। नर्सिंग क्या होता है, ये पर्सन का एक साइंस है, लेकिन पर्सन नर्सिंग में जो है ना अपनी पर्सन को ह्यूमनिस्टिक वे से जो है ना वो ट्रीट करते हैं एंड ह्यूमन हेल्थ एंडलेस एक्सपीरियंस। अब इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, जो ह्यूमन की हेल्थ एंडलेस एक्सपीरियंस है वो हम कंसिडर करते हैं। ये हम कंसिडर किस थ्रू करते हैं, प्रोफेशनलिज्म के थ्रू, पर्सनल, साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड एथिकल ह्यूमन केयर ट्रांजेक्शन के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना प्लीजिंग एंड कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट हम प्रोवाइड करते हैं। इन सारी का प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल, साइंटिफिक, एस्थेटिक, एथिकल ह्यूमन केयर ट्रांजेक्शन का मतलब ये कि हम पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो प्रोफेशनल बेस पे भी हो, इसमें जो है ना हम साइंटिफिक बेस पे भी हों, इंडिविजुअलाइज हों
और साथ में जो है ना एस्थेटिक भी हो, प्लीजेंट भी हो, कंफर्टेबल भी हो। तो ऐसी एनवायरनमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट की पेशेंट को जो है ना हम एज अ ह्यूमनिस्टिक वे में उसको हम ट्रीट करेंगे। एक्चुअल केयरिंग ओकेजन इन्वॉल्व एक्शंस एंड चॉइसेस बाय द नर्स एंड द इंडिविजुअल। द मोमेंट ऑफ कमिंग टुगेदर इन अ केयरिंग ओकेजन प्रेजेंट्स द टू पर्सन विद द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड हाउ टू बी इन रिलेशनशिप, व्हाट टू डू इन द मोमेंट। एक्चुअल केयरिंग ओकेजन या केयरिंग मोमेंट, ये वो मोमेंट होता है ड्यूरिंग द केयर जिस मोमेंट जो है ना पेशेंट और नर्स एक दूसरे के पास आते हैं, एक और नर्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड करती है। तो इसी मोमेंट को इन्होंने कहा कि ये एक्चुअल केयरिंग ओकेजन है, जिस वक्त जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है ना हमने क्या करना है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल केयरिंग ओकेजन। ट्रांस पर्सनल या बियॉन्ड द पर्सन, इसको हम कहते हैं ट्रांस पर्सनल। एंड इंटर सब्जेक्टिव ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप इन विच द नर्स अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाई द पर्सन ऑफ द अदर। ये वो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है ये जो इंटर सब्जेक्टिव होता है। इंटर सब्जेक्टिव मीन कि इसमें जो है ना कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, इसमें जो है ना पेशेंट अपनी एक्सपीरियंसेस और नर्स जो है ना अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो ट्रांस पर्सन मीन बियॉन्ड द पर्सन की स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन जब होते हैं, जब नर्स जो है ना पेशेंट की डिग्निटी और वर्थ का जो है ना ख्याल रखेगा और पेशेंट जो है ना वो नर्स की डिग्निटी और वर्थ का ख्याल रखता है। इट मीन कि दोनों की स्पिरिट जो है ना वो रूही जो है ना वो क्या गए, वो गुल मिल गए हैं। ओके, तो इसी वक्त जो है ना क्या करते हैं कि इन विद द नर्स अपेक्स, नर्स जो है ना वो अपेक्स करते हैं पेशेंट को, और साथ में जो है ना वो क्या करते हैं, अफेक्टेड बाई द पर्सन ऑफ द अदर, और दूसरी पर्सन की या पेशेंट जो है ना वो अपेक्स करते हैं नर्स को। बोथ आर फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड फील अ यूनियन विद द अदर, दे शेयर अ फिनोमिनल फील दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एसवी। तो ये दोनों जो है ना उसी मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं, दोनों जो है ना वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ जो है ना वो क्या करते हैं, फिनोमिनल फील मीन कि एक सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट जो है ना प्रोवाइड होते हैं। अच्छा, फिनोमिनल फील अब क्या है, फिनोमिनल फील द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ वन बींग इन द वर्ल्ड। ह्यूमन की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं, दिस इज रेफर्ड टू द इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट कैन ओनली बी नोन टू द पर्सन। ये इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मीन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो शख्स को सिर्फ पता होता है, किसी और को पता नहीं होता। पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड सच एज थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशन, मेमोरीज एंड परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अदर फीलिंग, ये सब कुछ किस में आता है, ये आता है फिनोमिनल फील में। सिंपल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को हम क्या कहते हैं, फिनोमिनल फील कहते हैं। सेल्फ, अब इन्होंने कहा कि सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, ऑर्गेनाइज कंसेप्चुअल गेस्टाल्ट कंपोज ऑफ परसेप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई एंड मी एंड परसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आई एंड मी टू द अदर। इसमें सेल्फ क्या है, आपकी अपनी सब्जेक्टिव है, आपके अपने आप है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन बींग को हम ऑर्गेनाइज होल कहते हैं। तो इधर आप देखिए ये कि ऑर्गेनाइज कंसेप्चुअल गेस्टाल्ट, ये जो टर्म है ऑर्गेनाइज कंसेप्चुअल गेस्टाल्ट, इसको कहते हैं हम सेल्फ। अब ये क्या है, द सेल्फ इज डिस्क्राइब एज एन ऑर्गेनाइज होल, अ कलेक्शन ऑफ द थॉट्स एंड आइडियाज दैट फॉर्म अ यूनिफाइड कंसेप्ट। सिंपल ये कि सेल्फ को हम कहते हैं कि एक यूनिफाइड होल है, ये यूनिफाइड होल में के अंदर थॉट्स होते हैं, इसमें आइडियाज होते हैं, इसमें जो है ना फॉर्म अ यूनिफाइड कंसेप्ट इसमें होते हैं। ओके, परसेप्शन, दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इज फॉर्म थ्रू आवर परसेप्शन, इट इंक्लूड हाउ वी सी आवर सेल्फ आई एंड मी एंड हाउ वी परसीव अवर रिलेशनशिप विद द अदर। इसमें सेल्फ में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को किस तरह परसीव करते हैं, आई एंड मी, आई मैं और मी जो है ना मुझ। तो ये क्या है कि मैं अपने आप को किस तरह परसीव करते हूँ और मैं दूसरों को जो है ना किस तरह परसीव करते हूँ, तो ये दोनों जो है ना आते हैं सेल्फ में। टाइम इज प्रेजेंट मोर सब्जेक्टिवली रियल एंड द पास्ट इज मोर ऑब्जेक्टिवली रियल। अब टाइम क्या होता है, टाइम प्रेजेंट जो है ना इसको हम सब्जेक्टिव लेते हैं क्योंकि प्रेजेंट में हम चीज़ों को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सब्जेक्टिव हैं। पास्ट क्या होता है, पास्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मीन को वो गुजरा हुआ होता है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन वगैरह जो है ना उसी के बारे में जो है ना फिर हम ऑब्जेक्टिवली जो है ना उसी के बारे में कमेंट्स करते हैं, सब्जेक्टिव हम उसके बारे में नहीं बता सकते। बट द प्रॉब्लम इज द पास्ट इज प्रियर टू आर इन डिफरेंट मूड ऑफ बींग देन द प्रेजेंट। अब पास्ट जो है ना ये तो प्रियर है, लेकिन जब हम डिफरेंट आर इन अ डिफरेंट मूड ऑफ बींग देन प्रेजेंट, बट इट इज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल।
आप डिफरेंट मोड ऑफ बीइंग से जब आप देखते हो ना, तो ये क्या है, ये क्लियर रहे ऑब्जेक्टिव है, ओके, देन द प्रेजेंट। जिस तरह हम प्रेजेंट को समझते हैं ना, प्रेजेंट हमारे हाव होते हैं, प्रेजेंट में हम उसके बारे में अपनी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे लिए सब्जेक्टिव है। लेकिन प्रेजेंट डिफरेंट मूड ऑफ बींग से, मीन कि डिफरेंट बींग एज अ बींग, जब आप डिफरेंटली जो है ना आप सोचते हो तो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इन दोनों को आप जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंसेडेंट मर्ज एंड फ्यूज, ये क्या होते हैं, ये मर्ज और फ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे होते हैं कि इसमें जो है ना, अगर पास्ट से तो उसमें जब बींग्स का कंसेप्ट आ जाता है, जब उसमें भी आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस वगैरह को जब आप शामिल करते हो कि सब्जेक्टिव, मैंने जो पिछले ज़माने में ऐसा देखा था, ये मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था, तो भी आपकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और वो पास्ट में होते हैं। तो इसी वजह से इन तीनों कंसेप्ट को जो है ना हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर हम पास्ट को जो है ना वो ऑब्जेक्टिवली कंसिडर करते हैं, प्रेजेंट को जो है ना हम सब्जेक्टिवली कंसिडर करते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रांसपर्सनल कैरिंग, तो ये क्या थी, ये मेजर कंसेप्ट थी, ये मेजर कंसेप्ट ऑफ द वाटसन थ्योरी थी। अब हमने जो है ना रिलेशनशिप की तरफ आना है। वट इज द मेजर रिलेशनशिप ऑफ द वाटसन थ्योरी? वाटसन हैज रिफाइंड एंड अपडेटेड द रिलेशनशिप थ्योरी, ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू हर करंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन केयरिंग स्पिरिचुअली। मैंने जो इन्होंने अपना रिलेशनशिप प्रेजेंट किया था, तो वो किया था कि ह्यूमन केयरिंग और स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ओके। हर कंटिन्यूस स्टडी हैज इन्वॉल्व लेंथी एग्जामिनेशन ऑफ हर बिलीफ अबाउट केयरिंग, स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन एंड एनर्जी फील्ड। इन्होंने जो मेन रिलेशनशिप थी वो किया थी कि केयरिंग किस तरह प्रोवाइड करना है, स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट, फिर जो है ना ह्यूमन एंड एनर्जी फील्ड का कंसेप्ट। इन्होंने जो यूनिटरी ह्यूमन बींग में हमने पढ़ा कि इंसान के इर्द गिर्द जो है ना एक एनर्जी फील्ड होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है विद ऑल इट्स मल्टीपल डायमेंशन। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिलेशनशिप थ्योरी, कुछ रिलेशनशिप थ्योरी की कौन कौन सी है। अ ट्रांसपर्सनल केयरिंग फील्ड, सबसे पहले आपने ट्रांसपर्सनल केयरिंग फील्ड हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रांसपर्सनल केयरिंग फील्ड मीन द फील्ड बियॉन्ड द पर्सन। इसमें आप फिजिकल एस्पेक्ट से जो है ना हट के जाते हो, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होते होते हैं। आप पेशेंट को जो है ना एम्पथेटिकली विद कंपेशन जो है ना जब ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो फिर ये क्या होता है, ये ट्रांसपर्सनल होता है, आप फिजिकल एस्पेक्ट से बियॉन्ड चले गए, ओके। ट्रांसपर्सनल केयरिंग फील्ड रिजाइड विद एन यूनिटरी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, दे ट्रांसेंड टाइम स्पेस एंड फिजिकलिटी। इन्होंने कहा कि जो ट्रांसपर्सनल केयरिंग फील्ड है, जब भी आप स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होता है, तो ये कब आता है, ये जब आप यूनिटरी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी में जो है ना ये आता है। जब भी आप होलिस्टिक व्यू में आप जाते हो, और होलिस्टिक व्यू में आप एक ऐसे हद तक पहुंच जाते हो जहाँ पे जो है ना कॉन्शियसनेस और एनर्जी के कंसेप्ट आता है, जहाँ पे जो है ना दोनों पेशेंट और नर्स जो है ना वो अवेयरनेस अवेयर होते हैं एक दूसरे के ख्याल से, मीन कि दोनों जो है ना एक दूसरे को विद कंपैशन एम्पैथी जो है ना वो देखते हैं। तो ये जो है ना ये एक एनर्जी ट्रांसफर इस वक्त होता है, एक स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होता है, और इसी वक्त जो है ना टाइम स्पेस और फिजिकलिटी जो है ना वो सरपास होते हैं, उसी से हट कर बात जाते हैं। यहाँ पे जो है ना टाइम को देखा जाता है, न स्पेस को और न फिजिकलिटी को, फिजिकल स्पेस को जो है ना वो इग्नोर करते हैं, और स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन जो है ना वो शुरू होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप पेशेंट को जब भी आप पेशेंट सैंपल लिए, तो पेशेंट को जब भी आप ट्रीट करते हो ना विद कंपेशन विद एम्पथी, तो फिर आप पेशेंट को जो है ना एज अ होल लेते हो, उसकी फिजिकल एस्पेक्ट को जो है ना आप क्या करते हो, वो आप सरपास करते हो। टाइम को आप नहीं देखते, लेकिन आप सिर्फ ये देखते हो कि पेशेंट जो है ना वो किस तरह मैं उसको समझूँ और किस तरह जो है ना मैं उनको ट्रीट करूँ। आप उसको ऐसे कंसिडर करते हो जैसा कि ये पेन और दर्द आपके होता है, ओके। A transpersonal caring relationship connects a spirit to spirit unitary connection with a caring moment, honoring the embodied spirit of both practitioner and patient within a unitary field of consciousness. ये ऊपर वाला सेम टू सेम है कि transpersonal caring relationship में अब क्या करते हैं हम, spirit to spirit connection जो है ना, spirit to spirit unitary connection जो है ना वो consider करते हैं। कि इसी वक्त जो है ना ट्रांसपर्सनल केयरिंग में जो है ना स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन वो वाकई होते हैं, हानरिंग द एम्बेडेड स्पिरिट ऑफ बोथ प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट विद इन अ यूनिटरी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब भी ये यूनिटरी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस आते हैं, तो इसी वक्त जो है ना एक एम्बेडेड स्पिरिट होता है, तो आप उस एम्बेडेड स्पिरिट को जो है ना आप हानर करते हो, इज्जत देते हो, रिस्पेक्ट देते हो।
एम्बेडेड स्पिरिट क्या होता है, इसमें आप केयर गिवर एंड पेशेंट है, फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल एसेंस। अब दोनों एस्पेक्ट एम्बेडेड स्पिरिट में होते हैं, एक फिजिकल बॉडी होता है और एक स्पिरिचुअल एसेंस होता है, तो दोनों को जो है ना आप रेस्पेक्ट देते हो। ओके, तो ये क्या होता है, ये ऐसी ये इसको हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल, कि आपने जो है ना उसकी फिजिकल एस्पेक्ट, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ बियॉन्ड आप चले गए टूवर्ड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो ये होगा ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप, या इसको जो हम कहते हैं कि यू आर नाउ इन द फील्ड ऑफ यूनिटरी कॉन्शियसनेस इन एनर्जी। ओके, जब भी आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर जो ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप ट्रांसेंड द ईगो लेवल ऑफ बोथ प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट, क्रिएटिंग अ केयरिंग फील्ड विद न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर हाउ टू बी इन द मोमेंट। अब ये ट्रांसपर्सनल केयरिंग है, ये जो है ना यहाँ पे आप पेशेंट को जो है अपने आप समझते हो, ईगो वगैरह सब कुछ जो है ना वो ख़त्म होते हैं, पेशेंट में भी ख़त्म होते हैं और प्रैक्टिशनर भी ख़त्म होते हैं, और एक न्यू पॉसिबिलिटी जो है ना वो जनरेट होते हैं हीलिंग की। ओके, फोस्टरिंग अ मोमेंट ऑफ डीपर एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल इवन हीलिंग, पोटेंशियली इवन हीलिंग। ओके, द प्रैक्टिशनर ऑथेंटिक इंटेंशनैलिटी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ केयरिंग हैज अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी देन नॉन केयरिंग कॉन्शियसनेस। अब इसी वक्त ये ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप के वक्त है ना, जो प्रैक्टिशनर होता है, जो नर्स होता है, उसकी जो इंटेंशनलिटी होता है वो क्या होता है, वो जो है ना आता है उसका इंटेंशनलिटी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ केयरिंग हैज अ हायर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो इरादा होता है, जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होता है प्रैक्टिशनर की, तो हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी के होते हैं, वो जो है ना हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्पैथी और कंपैशन पे होते हैं, जैसा कि देन द नॉन केयरिंग कॉन्शियसनेस। उस कंडीशन में जब भी आप इस फील्ड में नहीं हो, जब भी आप नॉन केयरिंग कॉन्शियसनेस में हो, तो आपको जो है ना ये हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी अचीव नहीं होती, लेकिन जब भी आप इंटेंशनलिटी एंड कॉन्शियसनेस के साथ आप केयर प्रोवाइड करते हो और आप इसी हायर फ्रिक्वेंसी पर पहुँच जाते हो, ओपनिंग आप कनेक्शन टू द यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ग्रेटर वन एनर्जी। अब ये जो फील्ड है ये क्या करते हैं, यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ग्रेटर एक्सेस, ओपनिंग ऑफ कनेक्शन टू यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ग्रेटर एक्सेस टू वन इनर हीलर। तो अब ये जो है ना, ये जो यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है उसी की तरफ जो है ना ये गामजन होते हैं। सैंपल ये कि ये क्या करते हैं, प्रैक्टिशनर जेन्युइन इंटेंशन टू केयर क्रिएट्स अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी कंपेयर टू नॉन केयरिंग स्टेट, द हायर फ्रिक्वेंसी इज बिलीव टू फैसिलिटेट कनेक्शन। तो ये जो है ना, ये जो हायर फ्रिक्वेंसी फील्ड आप अचीव करते हो, तो इसी फील्ड में जो है ना आप क्या करते हो, आप और पेशेंट के दरमियान जो है ना क्या होता है, इंटर कनेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, और ये इंटर कनेक्शन, ये एम्पथी, ये एक यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जो है ना आपको देखिए, जहाँ पे जो है ना नर्स और पेशेंट के साथ जो है ना कि एनर्जी जो है ना एक दूसरे के साथ वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होते हैं, और पेशेंट को जो है ना इनर हीलिंग जो है ना वो मिलती है। अच्छा, ट्रांसपर्सनल केयरिंग इज कम्युनिकेशन बाय द प्रैक्टिशनर एनर्जेटिक पैटर्न्स ऑफ कॉन्शियसनेस इंटेंशनैलिटी ऑथेंटिक प्रेजेंस इन अ केयरिंग रिलेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रांसपर्सनल केयरिंग जो है ना ये कब कम्युनिकेट होते हैं, जब भी जो है ना आप उस फील्ड में अंदर होते हो, जहाँ पे जो है ना आपकी इरादी, आपकी अवेयरनेस, आपकी ऑथेंटिकेशन सब कुछ जो है ना वो क्या हो, वो कनेक्टेड विद द पेशेंट हो, जब भी वो कनेक्टेड विद द पेशेंट हो, आप एम्पैथेटिक बन जाते हो, आप पेशेंट को अपने आप समझते हो, तो आप जो है ना क्या, आप ट्रांसपर्सनल केयरिंग की फील्ड में जो है ना पहुंच जाते हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वर्ल्ड बट आल्सो अबाउट द एनर्जी दे ब्रिंग टू द इंटरेक्शन। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थी कि आप पेशेंट को जो है ना दिलासा वगैरह दे दो कि नहीं आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ये तो जो है ना ये आप मुझे जो है ना ऐसा समझो कि मैं आपका तकलीफ जो है ना मुझ पर नहीं, आप जो है ना जब वो चीज़ आप रियलिटी में आपने आप पे जो है ना वो एग्जिस्ट करते हो, तो फिर जो है ना आप ट्रांसपर्सनल केयरिंग की कंसेप्ट की केयरिंग हीलिंग मॉडलिटीज आर अपन नॉन इनवेसिव नॉन इंट्रोसिव नेचुरल ह्यूमन एनर्जेटिक एनवायरमेंटल फील मॉडलिटी। केयरिंग हीलिंग का ये जो कंसेप्ट है क्या है, ये नॉन इनवेसिव है, नॉन इंट्रोसिव मीन कि इसमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर वगैरह नहीं होती, ये नेचुरल ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन है सैंपल, और इसमें जो है ना एनर्जेटिक इन्वायरमेंटल फील्ड मॉडलिटीज है, इसमें जो है ना एनर्जी ऑफ द पेशेंट एंड नर्व जो है ना वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। दे मे इन्वॉल्व एनर्जी वर्क बट इन अ सटल वे दैट रिस्पेक्ट द पेशेंट कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे एनर्जी वर्क भी होता है,
लेकिन वो एनर्जी वर्क मीन कि आप पेशेंट को जो है ना, आप पेशेंट को कुछ चीज़ों की मजबूर भी करते हो, लेकिन वो कब वो कहते होते हैं कि आप पेशेंट की कंफर्ट और वेल बींग को के रेस्पेक्ट करते हुए आप वो काम करते हो। ट्रांसपर्सनल केयरिंग प्रमोट सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ इम्पैक्ट एंड पॉसिबिलिटी। सिंपल ये ट्रांसपर्सनल केयरिंग में जो है ना, दोनों की मर्जी से बात होती है, तो पार्टिसिपेंट जो है ना वो क्या होते हैं, वो एम्पावर होते हैं अपनी हीलिंग प्रोसेस में। एडवांस ट्रांसपर्सनल केयरिंग मॉडलिटी ड्रा अपॉन मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग एंड बींग, दे एनकंपास एथिकल एंड रैशनल केयरिंग अलॉन्ग विद दोज इंटेंशनल कॉन्शियस मॉडलिटीज दैट आर एनर्जेटिक इन नेचर। अब यहाँ पे जो है ना क्या होते हैं कि यहाँ पे आप एक तो एथिकल और रैशनल केयरिंग की तरफ आप एथिकल कंसेप्ट को भी आप लेते हो, दूसरा जो है ना जो इंटेंशनल कॉन्शियसनेस मॉडलिटीज होते हैं, जो यूनिटली फील आप एनर्जी होते हैं ना ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो वो भी आप जो है ना इधर क्या करते हो एंड कंसिडर करते हो। ओके, दैट हनर होलनेस हीलिंग कम्पार्ट बैलेंस हार्मनी एंड वेल बींग। तो वही इन सब का निचोड़ यही बात है कि ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशन जब भी आप करते हो तो ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे जो है ना होलनेस होता है, जहाँ पे हीलिंग होता है, जहाँ पे कंपार्ट बैलेंस हार्मनी होता है, जो होलनेस हीलिंग कंपार्ट और वेलबींग को क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ओके अच्छा, फिर ये यूजफुलनेस है, यूजफुलनेस है तो ये जो है ना यूजफुलनेस थ्योरी क्या है, अभी भी जो है ना मल्टीपल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, रिसर्चर भी इस थ्योरी को जो है ना वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशन इसके होते हैं, डिफरेंट रिसर्चेज इसके होते हैं, तो इसकी जो है ना मल्टीपल यूजेज अभी टेस्टेबिलिटी, डिफरेंट रिसर्चर जो है ना वो भी अभी इसको जो है ना क्या करते हैं, डिसमिनेट करते हैं, इसके फाइंडिंग्स को डिसमिनेट करते हैं, उसको जो है ना टेस्ट करते हैं थ्रू क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी, दोनों जो है ना ये अभी भी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सी टेस्ट इसकी हो भी चुकी है। ओके, पर्सिमनी इसका क्या है, पर्सिमनी मीन कि कितना कॉम्प्लेक्स और इजी है, कितना कॉम्प्रहेंसिव और इजी है, तो ये थ्योरी बाकी थ्योरीज की बनस्पत जो है ज़्यादा पर्सिमनी है, मीन कि इजी टू अंडरस्टैंड भी है और कॉम्प्रहेंसिव भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है लेकिन बाकी थ्योरीज की बनस्पत जो है ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, अल्दो नंबर ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डिफाइंड, जैसा कि 10 क्रिएटिव फैक्टर्स इन्होंने डिफाइन किए, साथ में जो है ना 6 वर्किंग एजम्पशन इन्होंने जो है ना वो प्रेजेंट की हैं, और 3 कंसंट्रेशन, 3 कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया भी कि इसमें जो है ना 1 कंसंट्रेशन जो है ना वो किया है, वो क्रिएटिव फैक्टर्स हैं, केयरिंग ओकेजन या केयरिंग मोमेंट जो मैंने आपको बताया, जिसमें नर्स और पेशेंट एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक मोमेंट आता है जो केयरिंग का वक्त होता है, ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशन जो हमने पढ़ा। इस थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ बेसिक इस थ्योरी की जो है ना वो क्या है कि ये जो है ना पेशेंट एज अ होल, पहला थ्योरी था जिनने पेशेंट को एज अ होल कंसिडर किया, दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ केयरिंग को हाईलाइट किया, और तीसरा इन्होंने पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट किया। लिमिटेशन इस थ्योरी की क्या है, लिमिटेशन जो है ना ये सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्टिव में फिर जो है ना मसले मसाइल ऐसे आते हैं कि एक नर्व जो है ना एक तरह से परसीव करते हैं, दूसरा नर्व दूसरी तरह से परसीव करते हैं, तो ये लिमिटेशन है। इसका जो वर्क है ये जो है ना ये ज़्यादा ये मेजरेबल नहीं होता, ऑलवेज मेजरेबल ये नहीं होता, ये भी जो है ना क्या आता है इसमें कि आप जो है ना जब भी आप केयर प्रोवाइड करते हो तो या ये 10 के रेट फैक्टर थे वो क्या होते हैं, ये ज़्यादातर ये मेजरेबल फैक्टर नहीं होती, फोकस ऑन नर्सेज ज़्यादातर जो है ना इसका फोकस क्या होता है नर्सेज की है, तो वो भी जो है ना इसका क्या है ये भी इसके लिमिटेशन है। ओके, तो ये था थ्योरी जीन वाटसन थ्योरी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरी भी जो है ना मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।